हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टाइप कन्वर्जन, या जिसे टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है सी लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए टाइप कास्टिंग क्या होता है। सी लैंग्वेज हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को एक एक्सप्रेशन में हम उसे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सी लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, 3 + 2.5। ये बिल्कुल एक वैलिड एक्सप्रेशन है सी लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं कि 3 क्या है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, और 2.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। दोनों का टाइप अलग अलग है, तो हम सी लैंग्वेज में ऐसा कर सकते हैं, ये अलाउड है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इंटरनली क्या होता है स्टूडेंट, इंटरनली एक ऑपरेंड का टाइप, एक ऑपरेंड का जो डेटा टाइप होता है, ये दूसरे ऑपरेंड के टाइप में चेंज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग जो है स्टूडेंट, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग का एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसे इस लेक्चर में थ्रूली पढ़ेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग टाइप कास्टिंग को एंड कर देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं कुछ। तो टाइप कास्टिंग दो तरह का होता है, एक हो गया आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग उस टाइप कास्टिंग को बोलते हैं जो कि कंपाइलर, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली करता है, खुद से करता है। क्यों करता है? जो सी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं कहीं पे लिखूं 3 + 2.5, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये इवेलुएट होने से पहले जो मेरा थ्री है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, FLOAT। ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3.0 + 2.5, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में ऐसा प्री डिफाइंड रूल्स है। तो उन सारे रूल्स को जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के रूल्स है उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जो यूजर्स मीन्स क्या, जैसे हम जैसे जो प्रोग्रामर से अपने सुविधा के अनुसार, है ना, एज आवर रिक्वायरमेंट, हम लोग क्या करते हैं, खुद से कन्वर्जन करते हैं, है ना, जैसे एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं खुद अपनी मर्जी से, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इन दोनों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, तो जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है स्टूडेंट, इसे भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग ब्रॉडली दो ही कैटेगरी पढ़ेंगे आज, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को आप एक तो लिख सकते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इसको डिवाइड कर सकते हैं आप ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, क्योंकि रूल्स जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हम इनको डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। मैं आपको देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि DRDO सेप्टम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सी लैंग्वेज का, इसका आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो इसके बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो खैर हम लोग खुद से करते हैं, तो इसका कोई फर्दर टाइप है नहीं। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को भी आप चाहें तो दो कैटेगरी में कर सकते हैं, कर ही देते हैं, है ना, आपको नोट्स मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक तो आप बोल सकते हैं यूनरी ऑटोमेटिक कन्वर्जन, और दूसरा बोल सकते हैं बाइनरी ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, अब ये क्या होता है यूनरी बाइनरी का कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये है आपका स्टूडेंट टाइप कास्टिंग का जो क्लासिफिकेशन आप एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग स्टूडेंट, सबसे पहले पढ़ेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसके बाद एक्सप्लिसिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं टॉपिक दे देता हूं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया कि ये कौन परफॉर्म करता है, कंपाइलर, है ना, कंपाइलर परफॉर्म करता है, और कैसे परफॉर्म करता है, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स। पहले से जो रूल्स डिफाइंड है सी लैंग्वेज में, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये कंपाइलर परफॉर्म करता है। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में भी हम लोगों ने देख लिया दो तरीके का, एक ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, दूसरा टाइप कन्वर्जन असाइनमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हो गया आपका, ये हो गया ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब इसमें भी हम लोगों ने देख लिया ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में यूनरी और बाइनरी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनरी का, वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूनरी।
ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे मिस कर जाते हैं। देखिए यूनरी टाइप कन्वर्जन बोलता क्या है, ये कहता है कि जितने भी केयर टाइप के वेरिएबल और जितने भी सॉर्ट टाइप के वेरिएबल, सॉर्ट या सॉर्ट इंट आप दोनों बोल सकते हैं ना, हमने आपको बताया था डेटा टाइप में कि आप सॉर्ट इंट को सॉर्ट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग इंट को लॉन्ग भी बोल सकते हैं। चलिए तो कैर और सॉर्ट टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे इंट में किसी भी एक्सप्रेशन में, या जब भी हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं और मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि ऑल ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कैर एंड सॉर्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ऑल ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कैर एंड सॉर्ट आर कन्वर्टेड टू इंट, ओके, आर कन्वर्टेड टू इंट बिफोर एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले, बिफोर एनी ऑपरेशन। तो आपको ध्यान क्या देना है यहां पे कि कोई भी ऑपरेंड अगर कैर टाइप का है या सॉर्ट टाइप का है और जब हम उस पर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले हमें उसे इंट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हम कैर ऑपरेटर ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी कैर ऑपरेटर नहीं, कैर ऑपरेंड, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैर सी इक्वल्स, आप यहाँ पे जैसे 94 ले लीजिए, और सॉर्ट एस इक्वल्स यहाँ पे आप 65 ले लीजिए। ठीक है, और अगर मैं कर रहा हूँ सी प्लस प्लस एस माइनस माइनस, तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा क्या, जब मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस और एस माइनस माइनस यानी कि कैर ऑपरेंड पे क्या कर रहा हूँ, कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ सॉर्ट ऑपरेंड पे एस क्या है, ऑपरेंड है, ये एक पूरा मेरा क्या है एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ऑल ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कैर एंड सॉर्ट आर कन्वर्टेड टू इंट बिफोर एनी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा कि ये जो आपका सी है कैर टाइप का, इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, क्या करेगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद इस पे परफॉर्म करेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। ठीक है, और यहाँ पे भी कंपाइलर आपका क्या कर देगा, एस क्या है सॉर्ट टाइप का है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर देगा ये इंट टाइप में और उसके बाद इस पे डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जस्ट आपको इतना ही समझने का जरूरत था इसमें यूनरी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में कि जितने भी ऑपरेंड्स होंगे कैर टाइप के सॉर्ट टाइप के, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले हमें उसे इंट टाइप में कन्वर्ट करना है, हमें मतलब जो कंपाइलर है वही कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, चलिए तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में पहला मैंने बोला था यूनरी, यूनरी मैंने बता दिया, अब दूसरा हम लोग देखेंगे बाइनरी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बाइनरी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, और जिसे बोला जाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एक तरह से। ठीक है, तो देखिए इसके काफी सारे रूल्स है, प्री डिफाइंड रूल्स है, और उन सारे रूल्स को याद रखना आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको देखिए बताता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है किसी भी एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे आपको एक हायरार्की याद रखनी है, ठीक है, याद रखना है एक हायरार्की याद रखनी है, उस हायरार्की को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग डबल, डी ओ यू पी एल, लॉन्ग डबल, ठीक है, इसके बाद डबल, इसके नीचे हो गया आपका लॉन्ग इंट, इसके नीचे हो गया इंट, इसके नीचे हो गया आपका सॉर्ट, इंट के नीचे सॉर्ट ही हो जाएगा ना, इंट के नीचे आपका हाँ सॉर्ट हो जाएगा, और क्या कैर भी हो जाएगा, कैर और सॉर्ट, इस हायरार्की को स्टूडेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइयर ऑर्डर, या ये सबसे हाइएस्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है, हाइएस्ट ऑर्डर या हाइएस्ट रैंक, और ये हो गया आपका लोएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक। अब देखिए जब आपको ये हायरार्की याद है तो आपको एक बात दिमाग में रखना है क्या कि जब भी किसी दो ऑपरेंड पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और वो दोनों ऑपरेंड अलग 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 डेटा टाइप के हैं, आपको ध्यान देना है। देखिए हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं, जब बाइनरी में होता है तो ऑपरेंड वन होता, ऑपरेंड वन होता,
ऑपरेंड टू होता है और बीच में हमारा ऑपरेटर होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो आपको ध्यान क्या देना है स्टूडेंट कि जब भी हम दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो और वो दोनों ऑपरेंड अलग अलग डेटा टाइप के हो, तो जो लोअर रैंक का ऑपरेंड होगा वो हायर रैंक के ऑपरेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने बोला, फिर गौर से सुनना है, इस हायरार्की को ध्यान में रख के सुनना है। जब भी हम किसी दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, तो जो लोअर ऑर्डर का ऑपरेंड रहेगा वह हायर ऑर्डर के ऑपरेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या बोले तो इम्प्लिसिट टाइपकास्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ऑपरेंड वन होता है, ऑपरेंड टू होता है, ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस में लिया था वही वाला मैं लेता हूँ। एक तरफ मैं लिखता हूँ थ्री, फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्लस और यहाँ पे लिखता हूँ 5.0। ये हो गया ऑपरेंड वन, ये हो गया ऑपरेंड टू और ये एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये आपको पता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी दो ऑपरेंड के बीच में अगर हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, अरिथमेटिक बिट वाइज लॉजिकल किसी भी ऑपरेटर को ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हो, तो जो लोअर रैंक का ऑपरेंड होगा, लोअर ऑर्डर का, अब इसमें सबसे इसमें जो लोअर रैंक का है, अगर आप इस हायरार्की में देखें तो लोअर रैंक का कौन सा हो गया, इंट हो गया, है ना, इंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो इंट है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे मैंने लॉन्ग इंट के बाद फ्लोट नहीं लिखा है ना, यहाँ पे फ्लोट भी लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग इंट फिर यहाँ पे हो जाएगा FLOAT फ्लोट, कुछ इस प्रकार से। तो जो लोअर रैंक का ऑपरेंड है ये क्या होगा स्टूडेंट, हायर रैंक के ऑपरेंड में टाइप कास्ट हो जाएगा, यानी कि थ्री, ये थ्री क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ये क्या था, इंटीग्रल कांस्टेंट था, इंटीजर टाइप का था, ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट था, फ्लोट टाइप का था। तो इंटरनली कंपाइलर क्या करेगा कि इस लोअर रैंक के टाइप को कन्वर्ट कर देगा हायर रैंक के टाइप में, किस हायर रैंक में, जिस रैंक का दूसरा होगा, तो दूसरा डबल का है तो इस सॉरी दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट का है तो इसको भी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर के पास जब ये जाएगा एक्चुअल में जब ये जाएगा कंपाइलर के पास, तब ये 3+5.0 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 3.0+5.0 और उसके बाद कंपाइलर इसको कर देगा 7.53 8.0। ठीक है, रिजल्ट आपका आ जाएगा 8.0। आई होप आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। तो यही है स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है बाइनरी ऑटोमेटिक कन्वर्जन। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अगर किसी दो ऑपरेंड के बीच में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हो, तो जो लोअर रैंक का ऑपरेंड होगा वो हायर रैंक के ऑपरेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेशन के परफॉर्म होने के पहले। ठीक है, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन परफॉर्म होने के पहले। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम सभी देखते आए हैं जब हम लोग डेटा टाइप पढ़ रहे थे, तो मैं एग्जाम्पल टू यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 9/2 करें, ठीक है, 9/2 करें, तब यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, 4 आता है, है ना, क्या आता है, 4 आता है, फ्लोटिंग पॉइंट हमें नहीं मिलता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैल्यू हमें फ्लोटिंग पॉइंट मिले, तब हम क्या करते थे, तब हम किसी एक को आइदर 9 को या 2 को हम फ्लोटिंग पॉइंट बना देते थे। मीन्स या तो हम करते थे 9/2.0 या हम करते थे 9.0/2, इस प्रकार से करते थे, तब हमारा रिजल्ट क्या आता था, फ्लोटिंग पॉइंट आता था। अगर आप इस प्रकार से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 8 और 2 × 5 = 10, यानी कि 4.5 आ जाएगा। दोनों ही केस में आपका आंसर 4.5 आएगा। ऐसा क्यों होता था, तो ऐसा होता था टाइप कास्टिंग की वजह से, और उस समय मैंने टाइप कास्टिंग आपको नहीं पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो अभी आप समझिए, चलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर हम समझते हैं। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, ये है आपका 9, ये है डिवीजन और ये है 2.0। ठीक है, ये हो गया ऑपरेंड 1, ये है आपका ऑपरेटर अरिथमेटिक डिवीजन ऑपरेटर और ये है आपका ऑपरेंड 2। मैंने क्या बोला कि जब भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे दो ऑपरेंड के बीच में,
मैक्सिमम केस में दो ही ऑपरेंड होता है, क्योंकि हमने देखा यूनरी ऑपरेटर कुछ थे, यूनरी ऑपरेटर को पढ़ लिया हमने, जब हम ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो बाइनरी ऑपरेटर काफी सारे, टर्नरी आपका एक ही है, कंडीशनल ऑपरेटर उसको भी अवॉइड करना है। तो जब भी दो ऑपरेंड के बीच में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हो तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले, डिवीजन को पहले परफॉर्म नहीं करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले जो लोअर रैंक का रहेगा, अगर 9 लोअर रैंक का है तो इस लोअर रैंक के टाइप को हम हाइयर रैंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस 9 को कंपाइलर क्या करेगा, जब ये कंपाइलर के पास जाएगा, ये कंपाइलर के पास चला गया, आपने बोला लो कंपाइलर, कंपाइलर ने लिया और उसने क्या किया, इस 9 को देखा, अच्छा ये तो लोअर रैंक का है तो इसको हाइयर रैंक क्या है भाई, ये है फ्लोट, तो इसको भी कर देगा 9.0 डिवाइडेड बाय 2.0 और आपका रिजल्ट फिर जो भी आना होगा 4.5 वहां जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कंपाइलर क्या करता है। तो इसे बोला जाता है बाइनरी ऑटोमेटिक कन्वर्जन या इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, बेसिकली इसी को बोला जाता है। यूनरी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया कि जो भी आपका कैर टाइप का शॉर्ट टाइप का ऑपरेंड होगा उसको इंट में कन्वर्ट कर देना है, वहां पे उसकी कहानी खत्म हो गई। मेन फंडा ये है स्टूडेंट, मेन फंडा यही है कि जब भी दो ऑपरेंड के बीच में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हो तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पहले जो लोअर रैंक का टाइप होगा वो हाइयर रैंक के टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाइलर के द्वारा कर दिया जाएगा। और इस टेबल को या इस हायरार्की को आपको याद रखने की जरूरत है, और याद क्या, ये तो सभी को पता है कैर सॉर्ट सबसे छोटा होता है, ये तो ऑटोमेटिक इंट में हो जाएगा, है ना, ये तो आपका हर बारी होना ही है, कैर सॉर्ट इंट में जाएगा। डिपेंड करेगा ये कि जो लोअर रैंक का रहेगा उसको हाइयर रैंक में चला जाएगा, है ना, इंट टू लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, डबल टू लॉन्ग डबल, इस प्रकार से आपका कंपाइलर जो है ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करता है। कभी भी लॉन्ग डबल टू डबल या डबल टू लॉन्ग इंट, फ्लोट टू लॉन्ग इंट या इंट टू शॉर्ट, इस प्रकार का कंपाइलर नहीं करता है। कंपाइलर हमेशा वाइडनिंग करता है, नैरोइंग नहीं करता है ना, लोअर डेटा टाइप टू हाइयर डेटा टाइप करता है। ठीक है, आई होप आप लोग बात को समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग क्या क्या समझ लिए, एक बार फिर से मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, मैंने आपको ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बता दिया, उसमें मैंने आपको यूनरी और बाइनरी का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, देखिए कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हमारे चैनल पे कंप्लीट सी लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है फॉर डीआरडीओ सेप्टम, ये देख सकते हैं आप, टोटल 21 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं और ये जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर नंबर 22 है और ये थ्योरी के सिर्फ सेशन है, क्योंकि डीआरडीओ सेप्टम में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज का सेट हम लोग अलग से लाइव डिस्कस करते हैं। प्रतिदिन 9 बजे रात में आपको आ जाना है हमारे चैनल पे, लिंक टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर रखा हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है भाई, तो टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है आपको @septumdrdo और आपको ग्रुप मिल जाएगा हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स क्या होता है। तो इसको थोड़ा स्लाइड कर लेता हूं मैं नीचे, ठीक है, ये नोट्स स्टूडेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ लिंक, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एक मिनट जरा सा, हाँ सही। तो यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ, ये भी इम्प्लिसिट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इम्प्लिसिट में अभी तक हमने ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्या था ये, टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट्स। ठीक है, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक हमने देखा कंपाइलर क्या कर रहा था, ऑटोमेटिकली लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपाइलर ही ऑटोमेटिकली हायर डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, कैसे चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट्स क्या बोलता है, यहाँ पे टर्म आ रहा है असाइनमेंट्स, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट कहता है कि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके असाइनमेंट परफॉर्म करा रहे हो, लाइक इस प्रकार से x में अगर हम y के वैल्यू को असाइन करा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो अगर दोनों का जो टाइप हो वो डिफरेंट हो, अगर सेम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बल्ले बल्ले, लेकिन अगर दोनों का जो टाइप है वो अलग अलग है, दोनों का टाइप जो है वो डिफरेंट है, तो जो राइट हैंड साइड का, यहां पे ध्यान देना है, जो राइट हैंड साइड का टाइप होगा
टाइप होगा, जो राइट हैंड साइड का टाइप होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के टाइप में, यानी कि ये क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स के टाइप। आई मेरी बात समझ में? फिर से मैं बताता हूं, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वाई यानी कि जो राइट हैंड साइड में ये है ना, ये आर एच एस है, ये एल एच एस है, तो जो राइट हैंड साइड में वाई है उसका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा एक्स के टाइप में। अब हम लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मान लिया जाए मैं यहां पे लिख देता हूं इंट एक्स, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फ्लोट वाई इक्वल्स 2.5 इस प्रकार से, अब समझ में आएगा। और अगर मैं लिख दू यहां पे एक्स इक्वल्स वाई, ठीक है, एक्स इक्वल्स वाई, तो अब ध्यान देना है आपको कि जो एक्स है, जो एक्स है ये किस टाइप का है, ये है इंट टाइप का। जो y है ये किस टाइप का है भाई, तो ये है फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा कि टाइप कन्वर्जन होता है असाइनमेंट में, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट। उसमें क्या पढ़ा कि जो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड में। तो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड क्या है, वाई, तो आपको वाई का डेटा टाइप नहीं चेंज कर देना है, ठीक है। वाई का जो वैल्यू है ना, वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू है 2.5, तो ये 2.5 कन्वर्ट होगा इंट में, ना कि वाई कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। तो 2.5 इंट में कन्वर्ट होगा तो क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर होगा। ये था आपका 2.5, ये 5.5 आपका हट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा जाकर के 2, ठीक है। यानी कि जो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड होगा ये लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है असाइनमेंट एक्सप्रेशन में। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल 2 लिख देता हूँ। एग्जांपल 2 जैसे मान लिया जाए एक इंट है, इंट ए इक्वल्स 95, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैर सी इक्वल्स ए, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है a, a जो ऑपरेंड है ये किस टाइप का है, ये है इंट टाइप का और ये है कैर टाइप का। तो यहां पे क्या होगा, दोनों में मिसमैच हो गया ना, दोनों का टाइप मिसमैच हो गया। तो जो a का वैल्यू होगा, a का वैल्यू क्या है 95, 95 किस टाइप का है, इंट का है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले कैर में कन्वर्ट होगा उसके बाद जाकर के सी में असाइन हो जाएगा। और ये मेरी बात समझ में? तो ये था स्टूडेंट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट। अगर आप मान लिया जाए उल्टा भी लेकर चलते हैं, यानी कि जैसा कंपाइलर करता है, एग्जांपल एक 3 मैं ले लेता हूं, यानी कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है फ्लोट फ्लोट x इक्वल्स 2, ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो ये जो 2 है ये क्या है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, यानी कि ये इंट टाइप का हो गया और जो x है ये फ्लोट टाइप का हो गया, तो यहाँ पे मिसमैच हो गया। तो जो राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का ऑपरेंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड में। तो ये जो आपको 2 दिख रहा है ये 2 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा 2.0, तो ये 2 पहले हो जाएगा 2.0 और ये 2.0 जाकर के x में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां पे हमने देखा दो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट क्या देखा, एक तो हमने देखा कि लोअर रैंक, जो लोअर रैंक का डेटा टाइप है ये जा रहा है हायर रैंक में, हायर आर ए एन के, जैसा अभी हमने यहां देखा इंट कहां जा रहा है, फ्लोट में जा रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, टाइप प्रोमोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइप प्रोमोशन हो रहा है, ठीक है। और हमने दूसरा क्या देखा स्टूडेंट, दूसरा हमने देखा कि जो हायर रैंक का है, जो हायर रैंक का डेटा टाइप है ये लोअर रैंक में आ रहा है, ये लोअर रैंक में आ रहा है। कब आ रहा है भाई, तो अभी जस्ट हमने देखा यहाँ पे है ना, जब हम फ्लोट को असाइन करवा रहे हैं इंट में, तो यहाँ पे टाइप मिसमैच हो जा रहा है। लेकिन टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट क्या कहता है कि जो राइट हैंड साइड का ऑपरेंड है ना उसको कन्वर्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड के टाइप में। तो फ्लोट का जो वैल्यू है, यानी कि वाई का जो वैल्यू है 2.5, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, तो बच जाएगा 2 और वो 2 स्टोर हो जाएगा एक्स में। तो यहाँ फ्लोट टू इंट हो रहा है ना, यहाँ हायर टू लोअर हो रहा है। तो
तो हाइयर डेटा टाइप टू लोअर डेटा टाइप जब होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारा, ये हो रहा है टाइप डीमोशन, ठीक है, टाइप डीमोशन। तो टाइप प्रमोशन और टाइप डीमोशन ये दो टेक्निकल टर्म है जो कि यूज होते हैं, और ये यूज होता है असाइनमेंट में, यानी कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब इसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इन सारे एमसीक्यूज को हम लाइव सेशन में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा खींच कर नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक बार फिर से चलता हूँ जहाँ पे मैंने बनाया था डिटेल में। हाँ, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, हमने ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी देख लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो वापस से चलते हैं नीचे और स्टार्ट करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये काफी इजी है क्योंकि ये प्रोग्रामर अपने सुविधा के अनुसार करता है जो भी उसका रिक्वायरमेंट है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने आपको बताया ये क्या करता है, ये कौन करता है, यूजर, या यूजर जो भी है, यूजर कौन है, हम ही ना है, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसा भी उसका रिक्वायरमेंट रहे उस हिसाब से करता है। तो आखिर कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है स्टूडेंट कास्ट ऑपरेटर के माध्यम से, ठीक है, बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, ठीक है। कास्ट ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट, किसी भी एक्सप्रेशन के पहले हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे डेटा टाइप, क्या लिख देंगे, डेटा टाइप, ये हो गया इसका सिंटैक्स, इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो देखिए आखिर पहले इसका यूज क्यों किया जाता है, पहले हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग अगर करते हैं कुछ इस प्रकार से 5 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास रिजल्ट भी आता है 2, ना कि हमारे पास आता है 2.5, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें किसी एक ऑपरेंड को बनाना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट का, क्या बनाना पड़ेगा, फ्लोटिंग पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं करेगा। अगर हम इसको मान लिया जाए एक्स में स्टोर भी कराते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना, एक्स में स्टोर हो जाएगा 2, ना कि स्टोर होगा 2.5। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लिया जाए कई बच्चों को देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी होता है, ठीक है, कभी कभी इस प्रकार से दे दिया जाता है ना, क्वेश्चन बनाने वाले बहुत ज्यादा दिमाग वाले होते हैं तो वो इस प्रकार से दे देते हैं, फ्लोट x इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बच्चे को लगा रहे भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन आ गया, x का वैल्यू 2.5, एकदम कन्फर्म सही है, ये बिल्कुल गलत हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। तो सबसे पहले जब ये सॉल्व होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर तो इंट ही आएगा ना, यानी 2 आएगा, और ये 2 जाकर जब x में स्टोर होगा तो 2 का टाइप प्रमोशन होगा। देखिए मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, काफी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका असाइनमेंट परफॉर्म नहीं होगा, सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा। यहाँ पे दो ऑपरेटर मौजूद है, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2। अभी देखिए मैंने आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी नहीं बताया है, लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो डिवीजन का प्रेसिडेंस है ये हायर देन है असाइनमेंट। तो सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ इसको लेकर चलिए 5 डिवाइडेड बाय 2 को, फर्स्ट ऑपरेंड आपका इंट टाइप का है, सेकंड ऑपरेंड भी इंट टाइप का है, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी इंट टाइप का आएगा। क्यों आएगा सर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हो, जब भी हम दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहे हो तो जो लोअर रैंक का होगा वो हायर रैंक में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जो सेम है तो सेम का ही रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग लोअर टू हायर क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा रिजल्ट आए ये यूनिक आए, है ना, यूनिक कहने का मतलब यूनिक नहीं बोलना चाहिए, यूनिफॉर्म आए, यूनिफॉर्म टाइप का है ना, इसलिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो कन्वर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट भी हमारा इंट आएगा, यानी रिजल्ट हमारा आ गया 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स 2, ठीक है। अब x किस टाइप का है भाई, यहां से अब ध्यान दीजिए, x है फ्लोट टाइप का और 2 है आपका इंट टाइप का,
तो अब यहाँ पे फिर असाइनमेंट वाला फॉर्म, असाइनमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट में, कि जो राइट ऑपरेंड का, राइट ऑपरेंड का टाइप है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट ऑपरेंड के टाइप में। यानी टू पहले क्या हो जाएगा भाई, टू हो जाएगा 2.0 और ये 2.0 असाइन हो जाएगा x में, यानी कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2.0 होगा। तो इतना स्टेप स्टूडेंट परफॉर्म होगा, ना ही डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली 2.5 आपने स्टोर करा दिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया राम कहानी, इसका कोई इससे मतलब नहीं था तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 / 2 कर दें तो क्या होता है, 2 स्टोर हो जाता है। तो अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट चाहिए तो हमने देख पढ़ा था मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक का हमें यूज करना पड़ता है। मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक कहने का मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को हमें फ्लोटिंग पॉइंट का बनाना पड़ेगा, तब कंपाइलर क्या करेगा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कर देगा। यानी कि लोअर रैंक का जो टाइप होगा उसको हायर रैंक में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। अगर हम किसी एक को फ्लोटिंग पॉइंट बना देते हैं तो दूसरा को फ्लोटिंग पॉइंट बनाना कंपाइलर की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, हम इसके लिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, मैंने लिखा 5 / 2 तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं 5 के आगे लगा दूं मैं फ्लोट डिवाइडेड बाय 2, अगर इस प्रकार से करूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2.5। क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहा हूं, ये एक एक्सप्रेशन है, वैलिड एक्सप्रेशन है सी लैंग्वेज में। अगर हम 5 / 2 लिखते हैं तो इसका, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम इसके आगे में कास्ट ऑपरेटर को लगा देते, कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन के आगे में ब्रैकेट में आपको डेटा टाइप लिख देना है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, इस पे ध्यान देना है हमें, ये बेसिकली करता क्या है, ये क्या करता है कि हमने जिस भी एक्सप्रेशन के आगे इसे लगाया, हमने इसे 5 के आगे में लगाया है, तो हो गया क्या कि ये 5 बन जाएगा आपका फ्लोटिंग पॉइंट का, यानी ये हो जाएगा 5.0 / 2। स्टेप बाय स्टेप एकदम मैं समझा रहा हूं, यहां से ध्यान से समझिए। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होगा, 5 को 5.0 बनाएगा कंपाइलर, डिवाइड का डिवाइड, 2 का 2, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद कंपाइलर देखेगा, अरे ये तो हो गया फ्लोट टाइप का, ये तो हो गया इंट टाइप का, मिसमैच हो गया। तो क्या होगा कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगा, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगा, कि जो लोअर रैंक का डेटा टाइप है ये हायर रैंक के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इंट जो 2.0 है ये क्या हो जाएगा, जो इंट है ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो इसके नीचे जो सेकंड स्टेप होगा ये हो जाएगा 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0, और अब चूंकि दोनों सेम टाइप का हो गया तो हैप्पली अब हमारा जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो सकता है और रिजल्ट हमारा यहाँ पे 2.5 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हाँ ये पूरा स्टेप को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसे परफॉर्म होगा। तो ये आपको जस्ट दिमाग में रखना है, सीक्वेंस दिमाग में रखना है कि किस प्रकार से जो हमारा ऑपरेशन है, जो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो परफॉर्म हो रहा है। तो समझ में आ गई बात, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम लोग जनरली मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक के लिए यूज करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन को जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको गेट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 अगर मान लिया जाए हमारे पास कुछ क्या ले लूं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक इंट है। ठीक है, इंट ए इक्वस थ्री है, और अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं float float of a डिवाइडेड बाय 2, फिर तो वही बात हो गई ना। हाँ, फ्लोट में, या आप देखिए किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है, आपको जो डेटा टाइप है उसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर वही चीज हो गया, फ्लोट x इक्वस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्लोट आगे में लगा सकते हैं, फ्लोट ब्रैकेट में लगा दिया a डिवाइडेड बाय 2, तब x में जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, तो x में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ये a क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3.0, और ये 2 है तो ये भी हो जाएगा 2.0, कंपाइलर ऑटोमेटिक कर देगा, और ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा।
ठीक है, आप किसी और टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी डेटा टाइप को लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर में हमने इसे एंड कर दिया। मैं एक बार वापस से चलता हूँ सबसे ऊपर जहां पे मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ताकि मैं एक बार आपको बता दूं कि आज हमने किन किन टॉपिक को एंड किया है टाइप कास्टिंग में। देखिए, हमने आपको बताया क्या कि टाइप कास्टिंग जो होता है ये जनरली टू टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट जो कि कंपाइलर करता है और दूसरा एक्सप्लिसिट जो कि यूजर हम लोग प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट परफॉर्म करते हैं। इम्प्लिसिट में मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो होता है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। यूनरी, यूनरी मीन्स क्या, जो भी कैर और सॉर्ट टाइप के ऑपरेंड हैं, जब भी हम कोई ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करेंगे तो पहले हमें उन्हें इंट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी ऑटोमेटिक कन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा कि जो भी लोअर रैंक का डेटा टाइप होगा वो हायर रैंक के डेटा टाइप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो। अगर सेम टाइप का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स। हमने इसमें देखा कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर जो दोनों ऑपरेंड है वो अलग अलग टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग अलग टाइप के हैं तो जो लेफ्ट जो राइट साइड का ऑपरेंड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड के टाइप में। ठीक है, जो राइट साइड का जो भी ऑपरेंड का टाइप होगा ये लेफ्ट साइड के टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद असाइन होगा। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये हमने देखा कि हम किसी भी टाइप को किसी भी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर, ब्रैकेट में हमें क्या करना है उस डेटा टाइप को लिख देना है, ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका टाइप कास्टिंग कम्प्लीटली एंड हो गया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे स्टूडेंट, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कहाँ पे, इस एमसीक्यू सेशन में। तो इस एमसीक्यू सेशन को आपको सारा देख लेना है, अभी हम लोग टोटल 7 सेट डिस्कस कर चुके हैं और भी सेट हम लोग रात में 9 बजे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।